जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज चौधरी बिलाल का एजुकेशनल एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चाइना एमबीबीएस इन चाइना के हवाले में, जिन गांगशन यूनिवर्सिटी जो है चाइना की, उस यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे कि वो जो है पीएमसी की कौन सी लिस्ट के अंदर फॉल कर रहा है, उस यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया क्या है, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर क्या है, और उनकी जो क्लासेज वगैरह हैं पाकिस्तान में स्टार्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही, कब स्टार्ट होंगी, और 2021 का जो सेशन था सितंबर उसके अंदर आपका एडमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएंगी। इसके लिए हम जो है आपको कुछ चीज़ें अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर भी दिखाएंगे, जिस तरह पीएमसी से रिक्वायरमेंट्स जो है वो लिस्ट 1 में है या 2 में है पीएमसी के, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स के हवाले से कि आप यूनिवर्सिटी को खुद भी जो है अपने एडमिशन लेटर किस तरह चेक करवा सकते हैं जब आप हमारे थ्रू एडमिशन करवाएंगे। तो बहुत ज़्यादा लोगों के, हमने अपने वीडियोज़ के नीचे देखा है कि कमेंट्स होते हैं कि सर हम अपना जो हमारा लेटर है एडमिशन लेटर, हम इसको किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं अपने तौर पर, तो वो भी हम आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। उससे पहले जो गांगशन यूनिवर्सिटी है ये पीएमसी की ए लिस्ट के अंदर है और कंट्री 1 में आता है चाइना। इसकी भी हम आपको लैपटॉप के ऊपर भी आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे भी, बताएंगे भी, और इनका जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह है वो भी सारा। तो इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि बर वक्त आपको अच्छी वीडियोज़ एजुकेशन से रिलेटेड आपको मिलती रहें। जी गाइज, ये अभी हम अपना लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। जैसे कि आपके सामने ये वेबसाइट्स ओपन है, जिन गांगशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है ये गूगल के ऊपर हमने सर्च कर ली है, ये आ गई है आपके सामने। इधर से जो है आप इधर इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, स्कूल की प्रोफाइल वगैरह इधर से देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह, प्रिंसिपल स्पीच वगैरह, एनरोलमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट वगैरह, टैलेंट डेवलपमेंट, जो भी चीज़ यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है वो सारी चीज़ें इनकी वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद होती हैं। एक तरह का, जिस तरह किसी भी जो कंपनी का है या फर्म का है या किसी जॉब का है एम्प्लॉय का विजिटिंग कार्ड होता है, इसी तरह एक यूनिवर्सिटी की जो प्रोफाइल होती है वो उसकी वेबसाइट होती है। इसके ऊपर उन्होंने तमाम चीज़ें जो उनके लिए बेनिफिट होती हैं वो शो की होती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर इनकी डिटेल अगर आप देखें जिन गांगशन यूनिवर्सिटी की, तो ये इनका जो है अपना एड्रेस है, किंग यान डिस्ट्रिक्ट इनकी हो जाती है, जी आन सिटी हो जाता है, और जुगानजी प्रोवेंस हो जाता है। ये आप चेक कर सकते हैं, इन्हें इनका नंबर दिया हुआ है, इनकी ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। तो वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि हमने कैसे इन्फॉर्मेशन जो हम यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा एडमिशन लेटर जो है वो जेन्युइन है या नहीं है, तो वो यही ईमेल आईडी जो है ये इनकी वेबसाइट्स के ऊपर दी होती है ऑफिशियल। इधर आप इनके साथ रابطہ कर सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी है तो आप इधर इनसे रابطہ करके आप उन्हें अपना वो लेटर वगैरह शेयर कर सकते हैं कि ये हमारे पास लेटर आया है, ये ओरिजिनल है कि नहीं है, फेक है, ख्वाह वो जो है किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटी है, कजाकिस्तान की, चाइना की, इटली की, किसी भी यूनिवर्सिटी की, ईरान की है। आप उनके साथ इधर मेल पे उनके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, उनका नंबर दिया हुआ है, आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। सम टाइम अगर यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ते हैं तो उन्होंने एड्रेस वगैरह भी मैंशन किया होता है। ये सारी चीज़ें हैं कुछ इनकी, इनकी जो है अपना डिटेल वगैरह है यूनिवर्सिटी के बारे में, स्कूल की जो प्रोफाइल है ये आपके सामने अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जिन गांगशन यूनिवर्सिटी इज़ अ ज्वाइंट की स्पोर्ट ऑफ द जियांगसी प्रोवेंस, तो ये वो कहता है गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है ये अप्रूव है। उसके अलावा जो है काउंटर पार्ट स्पोर्टिंग और टोंगजी यूनिवर्सिटी की भी इनको काउंटर पार्ट स्पोर्ट है, ठीक है, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है टोंगजी अगर आप इसे भी गूगल करें तो। तो उसके अलावा काफ़ी सारे प्रोग्राम ये बीएस के भी करवा रहे हैं, और इसकी जो मेन हिस्ट्री है वो इधर ये शो करवा रहे हैं कि 1958 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी जियान सिटी के अंदर, ठीक है। चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के नेम वगैरह चेंज होते रहते हैं, तो इनका भी जो नेम वगैरह है 2007 में जो है नियान टेनजियांग यूनिवर्सिटी चेंज इट्स नेम टू रीस्टोर, उसके बाद जो है इन्हें दोबारा रीस्टोर कर लिया था इनका नेम। उसके अलावा 3 कैंपस हैं इसके, ठीक है, कैंपस का जो एरिया 2458 जो है अपना एकड़ जो है इसका एरिया है, 7,37,000 स्क्वायर मीटर जो बनते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इक्विपमेंट इज मोर देन 410 मिलियन युआन से ज़्यादा के जो है इनके पास इक्विपमेंट हैं। लाइब्रेरी है 2.3 मिलियन जो है इसके अंदर बुक्स वगैरह हैं, ठीक है। थर्ड लेवल, फर्स्ट लेवल, डायरेक्टली एफिलेटेड हॉस्पिटल हैं इसके साथ, ठीक है, ये कैटेगरीज होती हैं थर्ड लेवल और फर्स्ट क्लास के जो हॉस्पिटल है वो कहते हैं कि इनके हॉस्पिटल्स इनके साथ अटैच हैं। नॉन एफिलेटेड हॉस्पिटल 1 है, एस यू
हेल्थ स्कूल भी इनके साथ एक है, ठीक है। तो उसके अलावा 15 टीचिंग कॉलेज हैं इनके, कॉलेज मतलब के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। 3 मैनेजमेंट कॉलेज हैं, 60 अंडर ग्रेजुएट इनरोलमेंट मेजर्स हैं, जो BS प्रोग्राम के लिए जो 60 प्रोग्राम हैं, जिनके अंदर साइंस, हिस्ट्री, लिटरेचर, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिकल, तमाम चीज़ें जो हैं शामिल हैं। इसी तरह जो है अपना MS के लिए उन्होंने नीचे बताया हुआ है, वीडियो काफ़ी डिटेल के साथ लंबी हो जाएगी। तो इसी तरह PhD के लिए बताया हुआ, कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। इनकी अपनी जो है स्ट्रेंथ, उसके अलावा जो है ये देखिए जिस तरह एक्सीलेंट प्रोग्राम फॉर न्यूक, ज़्यादातर जो स्कॉलरशिप्स होती हैं MS और PhD के लिए होती है ना, BS के लिए बहुत कम होती हैं, ना होने के बराबर ही होती हैं। तो अभी मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए तो स्कॉलरशिप नहीं होती इनमें। ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई हैं, ये आप इसके अबाउट में जाके पढ़ सकते हैं। अगर इनकी इमेज के बारे में हम डिस्कस करें तो ये इनकी पिक्चर्स वगैरह दी हुई हैं। इसके बाद मैं आपको इनकी फ़ी के बारे में भी बताता हूँ, इस यूनिवर्सिटी की क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये आप यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं कितनी माशाल्लाह। ये अभी तो इस पिक्चर के अंदर तो छोटी सी लग रही है, लेकिन ये छोटी सी नहीं है, यही बहुत बड़ी है। ये आप देख रहे हैं ना, जो एक एक आपको खाना इस तरह विंडो टाइप नज़र आ रहा है, ये एक एक पूरी जो है अपना फ्लैट टाइप समझे के एक उनका है। तो ये इनके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आ गया कुछ, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर का बात करें तो पहले साल की जो फ़ीस, अच्छा इनके एडमिशन जो है ना, आप अभी 2021 इनटेक जो गुजर गई हुई है उसके अंदर भी आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम बच जाए, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी में आपको 2021 सितंबर इंटेक में आपको मिल जाएगा। इनकी एक साल की फ़ीस जो है, पहले साल की फ़ीस है 34,000 RMB है। इनमें हॉस्टल की फ़ीस नहीं है, वीज़े वगैरह की फ़ीस नहीं है, क्योंकि अभी एम्बेसी इनकी चाइना की वर्किंग नहीं कर रही, चाइना क्लोज है। तो पहले अभी इनकी क्लासेस जो हैं ये जनवरी में इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी, अभी तक इनकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई 2021 इनटेक की, क्योंकि इन्होंने एडमिशन अभी लेट स्टार्ट किए हैं। तो ये इस्लामाबाद में इनकी फ़िज़िकल क्लासेज मौजूद होंगी, उसके अलावा जब जैसे ही बॉर्डर ओपन होंगे बच्चे चले जाएंगे चाइना, चाइना जाके इनकी क्लासेज होंगी। 34,000 RMB जो हैं आज के रेट के हिसाब से देखा जाए 9,40,000 के और लगभग ये बन रहे हैं। तो ये आपके पहले साल की फ़ीस है। दूसरे साल में आपकी जो फ़ीस है वो 19,000 RMB जो है आपकी ट्यूशन फ़ीस बनती है, जो कि 5,25,000 आपके लिए बनती है। 5,25,000 मैं समझता हूँ कि बहुत ही रीज़नेबल है। 4,000 इनकी जो है हॉस्टल की फ़ीस है, 5,25,000, ये 4,000 जो है साल की हॉस्टल की फ़ीस है, जो 1,10,000 बनते हैं, ठीक है। ये तकरीबन 6.5 लाख के अराउंड अबाउट आपका बन जाता है। अगर फीस की बात करें तो 5.25 लाख है और 1,10,000 हॉस्टल की बन जाती है, ये टोटल आपका 23,000 RMB बन जाते हैं हॉस्टल के और फीस के मिला के, जो 6,36,000 बनते हैं। इसी तरह इनमें अगर मेडिकल वगैरह का आप मिला लें, ठीक है, इंश्योरेंस का मिला लें, तो ये 6.5 लाख तक आपका जो है एक साल का खर्चा है। पहले साल आपका जो है अपना 34,000 RMB लगेंगे आपके, मैं दोबारा रिपीट करता जाऊँ, 34,000 RMB, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वगैरह तकरीबन 9.5 लाख बनते हैं। तो दूसरे साल से आपके 6.5 लाख आपका खर्चा आएगा। 6 साल की डिग्री है इधर। उसके अलावा अगर PMC की वेबसाइट्स के ऊपर जाएं या देखें, अगर हमने PMC की वेबसाइट्स पे आ गए हैं तो पहले इन्होंने कुछ रूल्स वगैरह दिए हुए हैं, रूल्स के बाद इन्होंने ये लिस्टें वगैरह बताई हुई हैं। अगर हम इसके अंदर जाएँ तो ये देखें, अभी आपके सामने आया कंट्री लिस्ट वन, चाइना जो है कंट्री लिस्ट वन के अंदर ये आपको शो हो रहा है। इसी तरह जो है अपना यूनिवर्सिटी जो है, ये देखें लिस्ट, कॉलेज लिस्ट वन, ये काली लिस्ट वन आ गई, ये यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है जिनगांगशन यूनिवर्सिटी। तो ये जिनगांगशन यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल जो है ये ओपन हो गया, इसके अंदर ये MBBS है, आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड इन क्लिनिकल मेडिसन, ये जो है आप इसको। और इसके अलावा इनकी वेबसाइट्स पर भी अगर आप जाएँ तो ये देखें जिनगांगशन यूनिवर्सिटी जो है, ये हर चीज़ जो है PMC के लिए मैं समझता हूँ कि बेस्ट जो है इस टाइम आप सबके लिए। तो इसमें एडमिशन भी हो रहे हैं, आपका टाइम भी बच जाएगा। अब रिक्वायरमेंट जो है इसकी, रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, FSC का रिजल्ट कार्ड, वाइट बैकग्राउंड के साथ आपको पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए, पासपोर्ट चाहिए आपका, ठीक है। अगर आपके दो पासपोर्ट बने हुए हैं, मतलब जिस तरह पहले एक्सपायर हो जाता है तो वो दोनों के जो है आपके लगेंगे, पहला और दूसरा पेज होता है पासपोर्ट का वो लगेंगे। जिंगांगशन यूनिवर्सिटी के जो है एप्लीकेशन फॉर्म वो आपका लगेगा, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिजिकल फॉर्म आपका लगेगा, फिटनेस फॉर्म जिसे कह देते हैं, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, ये आप अपने डिस्ट्रिक्ट से आपको बन जाएगा, तहसील से भी बन जाते हैं आप। सपोर्टिंग एफिडेविट चाहिए होगा कि आपको कौन जो है सपोर्ट कर रहा है, आपके वालिद साहब जो आपको फीसें वगैरह जो आपकी पे करेंगे उनकी तरफ से लगेगा, ठीक है। फिर एक सपोर्टिंग एफिडेविट लगेगा, अगर आपकी एज 18 ईयर से कम है तो फिर भी आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको एक एफिडेविट बना के देना पड़ेगा। इसी तरह फैमिली जो सर्टिफिकेट होता है, फैमिली FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपका लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको इस यूनिवर्सिटी के हवाले से बता दी हुई हैं। तो अभी जो है आपके सामने ये 6 साल की इसके अंदर डिग्री प्रोग्राम है। पहला साल लैंग्वेज का होता है, ठीक
ठीक है, उसके अलावा फिर आगे MBBS की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। ये चाइना में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, MOE हैं, इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम है, जो भी आप समझ लें, कोई भी आपको कोई भी कहानी सुनाए, चाइनीज़ लैंग्वेज उधर आपके लिए मस्ट है। ये होता है कि किसी में 2 साल की रिलैक्सेशन मिल जाती है HSK 4 करने के लिए, किसी में 4 साल की वो रिलैक्सेशन दे देते हैं, 5 साल की दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ पहले साल में ही आपने HSK 4 क्लियर करना होता है। उसमें आपको पढ़ाते ही चाइनीज़ लैंग्वेज हैं, और मैं समझता हूँ कि वही यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट हैं जिसमें आपने पहले साल करना हो। इस तरह आप, क्योंकि लैंग्वेज के बगैर तो आप उधर बिल्कुल ही ज़ीरो है ना, आपको लैंग्वेज आप पहले उन्हीं यूनिवर्सिटी में लें जिसमें पहले साल लैंग्वेज करवाते हैं। उनमें यह है कि फ़ीस भी कम होती है, यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी हैं उनमें। फिर आप लैंग्वेज के बाद आपकी मेडिकल शुरू हो जाएगी, लास्ट ईयर जो होता है वो आपका इंटर्नशिप होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑलरेडी भी हमने वीडियोज में बताया हुआ है, आप ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स के ऊपर जाके इधर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स भी है, ये भी हम आपको नीचे लिंक इसका प्रोवाइड कर देंगे। वैसे भी आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है आप सबके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें।